Hello everyone, in this video we will cover some MCQs for EPPCS and other state exams. So let's start. Question first, with which country India formally launched negotiation on Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA? CEPA, it's a free trade पैक्ट जिसमें सर्विसेज इन्वेस्टमेंट कवर होता है एंड ये इंडिया ने साइन किया है यूएई के लिए. एंड इंडिया यूएई की अगर हम दोनों कंट्रीज का ट्रेडिंग देखें तो ये यूएई इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और इंडिया एक्सपोर्ट करता है यूएई को स्टोन एंड ज्वेलरी. एज वी नो इंपोर्ट होता है यूएई से पेट्रोलियम. एंड यूएई का अगर हम मैप देखें, दिस इज यूएई इंडिया, ओके. एंड यूएई का अगर बॉर्डर देखें तो सऊदी अरेबिया एंड ओमान से है. आई होप पर्टिकल दिस इंफॉर्मेशन इज सफिशियंट फॉर पर्टिकल दिस क्वेश्चन. सो नाउ क्वेश्चन टू, विद विच नेशनल पार्क हैज़ बिकम द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया टू बी इक्विप्ड विद सैटेलाइट फोन्स. अब इन दिस क्वेश्चन इज आस्किंग कि अभी रिसेंटली कौन सा नेशनल पार्क लॉन्च किया है विद इक्विपमेंट विद सैटेलाइट फोन से. तो राइट आंसर इज काजीरंगा नेशनल पार्क. As we know, Kaziranga National Park is in Assam. और इसमें क्या क्या फौना है, स्पीसी कौन कौन सी होती हैं. As we know, 2/3 of world great one horn rhinoceros. और इसमें बंगाल टाइगर भी हैं. इसका मैप देख लेते हैं एक बार. ये आसाम है, कालीरंगा नेशनल पार्क ये है और 2006 में इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया था. और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है अलॉन्ग विद वर्ल्ड. इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये वर्ल्ड एरिया में भी डिक्लेयर्ड है. क्वेश्चन नंबर 3, विद विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज अ रिपोर्ट which state that children in India are extreme high risk of impact of climate crisis. So right answer is UNICEF, United Nations Children's Fund. ठीक है, in this report, में क्या है impact चिल्ड्रन पे कितना रहा, इस पे रिपोर्ट है. और इंडिया की रैंक आई है 26. एक बार फिर देख लेते हैं, यूनिसेफ ने लॉन्च किया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूपीसीएस के लिए. क्वेश्चन नंबर 4, स्नोफील्ड ड्यूटी 2021 इज मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बाई विच कंट्री. जो स्नोफील्ड ड्यूटी 2021 हुआ है किसके कंट्री द्वारा हुआ है. सो राइट आंसर इज चाइना. आई स्नोफील्ड को स्नोफील्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 4500 मीटर एल्टीट्यूड पे है कंडक्ट होती है, इसलिए इसे स्नोफील्ड बोलते हैं. वी कैन सी क्वेश्चन नंबर 5, University of Health Science Bill has been passed by Assembly of which state? आपको क्लियर हो गया होगा पिक्चर से. राइट आंसर इज उड़ीसा. पर्पस क्या है, ऑल द मेडिकल प्लस पैरामेडिकल जो इंस्टीट्यूशंस होंगे उनको सिंगल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में कवर कर दिया जाएगा. लॉन्च किया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट के लिए.
क्वेश्चन नंबर 6, द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज नेम जपल 2021 इज हेल्ड इन विच कंट्री? सो राइट आंसर इज रशिया। और जो 9 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है, दीज आर कंट्री मंगोलिया, आर्मेनिया, कजस्तान, ताजिकिस्तान, कर्गिस्तान, सर्बिया, रशिया, इंडिया एंड वेलस। तो ये 9 कंट्रीज हैं, वो देख लेते हैं। 2021 हेल्ड बाय रशिया। क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री हैज पास द वर्ल्ड फर्स्ट लॉ टू फोर्स टेक कंपनी टू ऑफर ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम? सो राइट आंसर इज साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने इसलिए क्या करा है, क्योंकि साउथ कोरिया ने क्लेम किया है कि गूगल 30% चार्ज पे करता है इन साउथ अफ्रीका, इसलिए साउथ कोरिया ने कहा है कि आप अपना खुद बनाइए, इसलिए राइट आंसर इज साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का मैप भी देख लेते हैं, हियर इट इज साउथ कोरिया, दिस इज इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8, विच ईयर इज टू बी सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ लिट अंडर लीडरशिप ऑफ इंडिया? तो कौन से ईयर में किया गया है? वाई 2023 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शेयर डेस्टिनी 2021 एक्सरसाइज शेड्यूल टू बी हेल्ड इन विच कंट्री? सो राइट आंसर इज चाइना। देख सकते हैं, शेयर डेस्टिनी 2021 एक्सरसाइज बाई चाइना, पाकिस्तान, थाईलैंड, मंगोलिया। क्वेश्चन नंबर 10, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च सुजलम कैंपेन? सो राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये कैंपेन क्या है? एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में है और ये 100 डेज का प्रोग्राम है। इनका की पॉइंट क्या है कि बिल्डिंग 1 million सोक पिट्स टॉयलेट आर बीइंग रेनोवेटेड और ओपन डिफेक्शन फ्री करना है। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिट हो। First, the Prime Minister of India, Narendra Modi, has laid from the foundation stone of the Raja Mahendra Pratap Singh State University in which city? Abhi PM Modi ne inaugurated ki hai, and right answer is Aligarh, in the honor of Raja Mahendra Pratap Singh. Basically, Raja Mahendra Pratap Singh was a fighter, राइटर, और इनको आर्यन पेशवा नाम से भी जाना जाता है, और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, नोबेल पीस प्राइज 1932। आई होप द इंफॉर्मेशन इज इनफ फॉर पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन विच डेट इंटरनेशनल इक्वल डे वॉज सेलिब्रेटेड? द राइट आंसर इज 18 सितंबर। क्वेश्चन 3, रिसेंटली हु ब्रोक द नेशनल रिकॉर्ड इन वुमेन्स 1.5 किलोमीटर रेस? राइट आंसर है हरमिलन कौर वेन्स, ये पंजाब की हैं और इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है सुनीता रानी का, जो अब तक अवार्ड था इन्होंने गोल्ड लिया है। इन्होंने एशियन गेम्स में जीता था, तो ये फर्स्ट वुमेन हो गई हैं जो इन्होंने ब्रेक किया है सुनीता रानी का रिकॉर्ड। फोर्थ क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड द 15
ईस्ट एशिया समिट एनर्जी मिनिस्टर मीटिंग, तो इसका आंसर है यूरेनियम। और इसका जो थीम था वी केयर वी प्रिपेयर वी प्रॉस्पर, ये थीम था। और ये किसका पार्ट है, आशियान पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज लॉन्च अटल स्पेस चैलेंज 2021, तो राइट आंसर इज अटल इनोवेशन मिशन। ये कोलैबोरेशन क्या है, इसरो प्लस सीबीएसई। बेसिकली ये जो मिशन है इसमें कवर अप करेंगे 6 to 12 के स्टूडेंट को इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। हु टुक चार्ज एज अ चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज, तो राइट आंसर है सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। बेसिकली ये आईपीएस ऑफिसर थे पंजाब गवर्नमेंट में। यहाँ पे एक टर्म आया है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। बेसिकली ये 1978 में इनेक्टेड हुई थी। पहले इसको माइनॉरिटीज कमीशन बोलते थे, एमसी। इन 1992 में इसको स्टैचुरी ग्रांट मिला और ये एनसीबी एनसीएम से आता, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। इसमें एक चेयरमैन होते हैं, एक वाइस चेयरमैन होता है और प्लस 5 मेंबर होता है। और अभी इसमें नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज में 5 कम्युनिटीज नोटिफाइड थी 2014 में, जैन को भी इंक्लूड किया गया था। 7 सेंटर स्टेट रिलेशन मेंशन्ड इन द विच शेड्यूल इंक्लूड स्टेट यूनियन कॉन्करेंट लिस्ट, आंसर इज 7th। एज वी नो फर्स्ट में तो स्टेट्स एंड यूटी कवर हैं, 7th में स्टेट रिलेशंस हैं सेंटर स्टेट के, 10th में डिस्क्वालिफिकेशंस हैं एंड 12th में म्यूनिसिपलिटीज़ हैं। म्यूनिसिपलिटीज़ ओके। एंड 8 द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिटरली डू नॉट इंक्लूड, तो हम पता है कि राइट टू फ्रीडम में 6 गारंटीज दिए जाते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, हाउसिंग फ्रीडम, फ्रीडम टू वर्क और ट्रेड, और इसमें ट्रेड सी में। तो राइट आंसर है इसमें कौन सा इंक्लूड नहीं है, फ्रीडम ऑफ कंसेंस। एफिशिएंट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग रॉकर हैव बीन एग्जीक्यूटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल साइट्स, एज वी नो राइट आंसर डोलवीरा। मोहनजोदड़ो का है, दैट इज अ पार्ट ऑफ सिंध नाउ इन द पार्क। ये फेमस फॉर किस लिए, ग्रेट वॉल। मालवा का है गुजरात में, और अहमदाबाद का है आपका ये महाराष्ट्र में है। इसको साउथर्न मोस्ट पॉइंट भी बोलते हैं। एंड डोलबीरा अगेन इन गुजरात इज द राइट आंसर आई होप। एंड लास्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन स्वेन एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, एज वी नो भूपेंद्र पटेल। ये 2017 में फर्स्ट टाइम एमएलए बने, और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है एमएलए की है घाट लोहिया, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। आई होप गाइज आई हैव मेक इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पीसीएस। जनरली पीसीएस आस्क्ड
दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो ग्लोबल इनोवेशन डेक्स इज रिलीज बाई वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. इट इज कॉल्ड एज WIPO. ये UN की एजेंसी है और इसको टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने. हम देखते हैं ऑप्शंस. तो वर्ल्ड बैंक गलत है, तो वन हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं. एंड स्वीडन इज आल्सो रॉन्ग, स्विट्जरलैंड इज द राइट वन. सो आंसर इज ऑप्शन थ्री, सेकंड ओनली. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो रिमेंबर इंडियाज रैंक इज 46. लास्ट टाइम 48 थी, इंडिया ने इम्प्रूव किया 46. एंड यू कैन सी कि 2015 से टू 2021 से इंडिया ने इम्प्रूव किया 35 प्लेसेस, 81 टू 46. क्वेश्चन टू, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग थर्ड स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स. द ऑप्शन वन है द इंडेक्स वॉज डेवलप्ड बाई नीति आयोग. हम देख सकते हैं और इसमें कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर लॉन्च किया है, तो ये मिनिस्ट्री आती है. लॉन्च कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. एंड अमंग द लार्जेस्ट स्टेट गुजरात इज द टॉप. दिस इज द राइट वन. सो ऑप्शन टू इज द राइट. सो ओनली टू इज द राइट आंसर पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन. ये डेवलप कौन करता है? डेवलप करता है FSSAI, फुल फॉर्म फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया. एक लॉन्च भी हुआ था प्रोग्राम ईट इंडिया, ईट इंडिया मूवमेंट. ये ऑटोनोमस स्टैचुरी बॉडी है अंडर द एक्ट ऑफ 2006. क्वेश्चन थर्ड, द लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड बाय. राइट आंसर इज वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर. हर टू इयर्स में ये रिपोर्ट आती है. एंड सिंस 1998 से ये रिपोर्ट रिलीज हो रही है. क्वेश्चन फोर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर UPSC एंड UPSC2. अभी टू विजेस को इंडियन विजेस गेट इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मिला है. एक कोवालम है एंड एडन है, दोनों को मिला है. तो वो इज द राइट आंसर. अब एक बार देख लेते हैं. सबसे ज़्यादा जो स्पेन में है ब्लू फ्लैग बीचेस, उसके बाद ग्रीस में, फिर फ्रांस में. इंडिया में कौन कौन से बीचेस हैं जो इसके अंडर में आते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट अभी हमने देखा एक गोल्डन उड़ीसा, एडन पुडुचेरी, और ये हियर इज द लिस्ट. हम इसको एक बार देख लेंगे, ठीक है. बेसिकली इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि प्रमोट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फ्रेश वाटर. बेसिकली फ्रेश वाटर कंजर्व करने के लिए ये सर्टिफिकेट देता है बीजेस को. तो इंडिया को अभी 11 ओवरऑल इंडिया ने नोटिफाइड किए थे और 8 नोटिफाइड, और रिसेंटली 2 कोवलम एडन ये अभी सर्टिफाइड हुए. तो हमको इसको याद रखना है. क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डिजाइन हाई ऐश कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मैथनॉल प्रोडक्शन प्लांट हैज बीन इनॉग्रेटेड एट हैदराबाद. तो हमको याद रखना है हैदराबाद में वेल ने लॉन्च किया है. क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक ब्लेज है
Kong Thong Kong is a famously known as Whistling Village, recently nominated by the Ministry of Tourism. देख सकते हैं ये एक ब्लेज है और मेघालय में है. मेघालय से राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7, ट्रेड प्लस वन सेटलमेंट साइकिल हैज बीन प्रपोज्ड. तो राइट आंसर है सी बी. बेसिकली ट्रेड वन प्लस वन क्या है? स्टॉक मार्केट में जब भी कोई स्टॉक बाय एंड सेल होता था तो जो उसका सेटलमेंट टाइमिंग था पहले अर्लियर टी प्लस टू पे वर्क करता था कि आपने आज स्टॉक खरीदा है तो आपका अमाउंट और जो उसको बाय एंड सेलिंग की जो पूरी प्रोसेसिंग में टी प्लस टू टाइम होता था, ट्रांजेक्शन प्लस टू डेज में सेटल होता था. अब गवर्नमेंट ने कहा टी प्लस वन, तो सेबी ने कहा टी प्लस वन में हम उसको प्रोसेस करेंगे. इससे बेसिकली प्रॉफिट ये होगा कि रिटेल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा. आई होप दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इज इनफ फॉर पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8, द डी ओशन मिशन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस. जो मिनरल्स होते हैं बहुत नीचे नीचे होते हैं, तो ये प्रोग्राम लॉन्च किया है. द डीप ओशन मिशन है अंडर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस. हम देख सकते हैं कि ये प्रोसीजर फॉलो होगा और जो भी एलिमेंट्स होंगे उसको एक ट्यूबवेल के थ्रू, जो स्पेशल डिज़ाइन होगा उसके थ्रू हम इसे निकालेंगे. क्वेश्चन नंबर 5, विच मिनिस्ट्रीज एसोसिएशन UGC हैज ऑर्गेनाइज वेबिनार और इंश्योरिंग इंक्लूसिव गवर्नेंस मेकिंग एवरी पर्सन मैटर. तो ये जनरली लोग इसमें गलती करते हैं, सोशल जस्टिस लगाते हैं. राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. हम देख सकते हैं सब लोग मैटर करते हैं. इन द लास्ट ग्लोबल रिक्स रिपोर्ट 2021, इट इज पब्लिश बाई वर्ल्ड बैंक. हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको लॉन्च करता है और इंडिया की रैंक 7 है. दिस इज द राइट वन. तो आंसर शुड बी बोथ. आंसर शुड बी ओनली 2. कवर सम MCQs फॉर UPPCS एंड अदर स्टेट एग्जाम्स. सो लेट स्टार्ट. क्वेश्चन फर्स्ट, द उड़ीसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्रपोज टू फिट रेडियो कॉलर ऑन फिच एनिमल्स टू एलिमिनेट एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट. द राइट आंसर इज एलिफेंट्स. इन दिस पिक्चर वी कैन सी, ये जो आपको दिख रहा है ये रेडियो कॉलर है. ये होता क्या है, ये लाइट वेट वेल्ट है और ये इनिशियली 7 एलिफेंट्स को ट्रेस करने में हेल्प करेगा. तो ये अभी अप्लाइड हुआ है 7 एलिफेंट्स पे. आई होप पर्टिकुलर दिस इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट फॉर पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम फॉर रूरल प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशंस. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. वी कैन सी IFAD. फोर्थ फॉर्म क्या होती है, IFAD की, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर कल्चरल डेवलपमेंट. इन दिस रिपोर्ट इसमें क्या है कि 37% जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है वो रिस्पॉन्सिबल बाई द फूड सिस्टम से ही होती है. जो हम वेस्टेज कर देते हैं उससे 37% ग्रीन हाउस गैसेस रिस्पॉन्सिबल होता है. ऑप्शन 3. क्वेश्चन 3, विच कंट्री तमिलनाडु हैज पार्टनर टू क्रिएट एन एनर्जी आइलैंड इन द गल्फ ऑफ मन्नार. द राइट आंसर इज डेनमार्क. यू कैन सी तमिलनाडु एंड डेनमार्क और गल्फ ऑफ मन्नार का है, ये है इंडियन ओशन. और गल्फ ऑफ मन्नार क्या है, इज अ लार्ज सैलो वे फॉर्मिंग वे लोकेटेड इन सी इन द इंडियन ओशन विद एन एवरेज डेप्थ ऑफ 5.8 meters एंड ये वेस्ट कोस्ट ऑफ श्रीलंका एंड साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ इंडिया है. क्वेश्चन नंबर 4, इन विच सिटी डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक हैज बीन इनॉग्रेटेड. द राइट आंसर इज दिल्ली. रिसेंटली दिल्ली में लॉन्च हुए. क्वेश्चन नंबर 5, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज एटलस ऑफ मॉर्टेलिटी
economic losses from weather, climate and water extremes. ये आपको दिख रहा है. So right answer is WMO. WMO means World Meteorological Organizations. Last 50 years में अप्रॉक्स 1 million लोगों की डेथ हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर. और ये तीनों कंट्रीब्यूट करते हैं 50% ऑफ डिजास्टर्स. जो भी डिजास्टर आते हैं इन तीन वजह की वजह से आते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, विच डिजिटल पेमेंट फ्रॉम रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म विद डाटा ऑन डिजिटल पेमेंट्स. सो राइट आंसर इज फोन पे. देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑर्गेनाइजेशन LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड हैज पार्टनर टू प्रोवाइड होम लोन प्रोडक्ट टू ओवर 4.2 करोड़ कस्टमर्स. सो राइट आंसर इज इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक. क्वेश्चन नंबर 8, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग होता है एग्रीमेंट, इनफॉर्मल एग्रीमेंट. विच कंट्री ऑन कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ जियो साइंस. राइट आंसर इज रशिया. देख सकते हैं, ये रशिया का फ्लैग है एंड रशिया का प्रेसिडेंट. क्वेश्चन नंबर 9, इन विच कंट्री वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट टू कैप्चर CO2 फ्रॉम एयर हैज स्टार्टेड फंक्शनिंग. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क हियर फॉर EBBCS. आई एम एक्सपेक्टिंग ये क्वेश्चन 2021 में आ सकता है. तो राइट आंसर इज आइसलैंड. आइसलैंड की लोकेशन है आर्कटिक से नीचे है एंड अटलांटिक ओशन में है. ओके, क्वेश्चन नंबर 10, रिसेंटली विद विच कंट्री द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अ MOU फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन. सो राइट आंसर इज इटली. क्वेश्चन नंबर 11, इन विच कंट्री एक्साइज पीसफुल मिशन 2021 इज बीइंग हेल्ड. आंसर इज रशिया. वी कैन सी ये SCU क्या होते हैं, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी ईरान इसमें फुल मेंबर बना है ऑब्जर्वर से. तो आई एम होपिंग दिस क्वेश्चन 2, ये भी इंपॉर्टेंट है UPSC के लिए. क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क स्टेट 1. इट इज आल्सो नोन एज मिनी काजीरंगा. यस, इट इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र. राइट, सो आंसर इज बोथ A and B. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई दिस क्वेश्चन इन द न्यूज, बिकॉज अभी असम गवर्नमेंट ने राजीव गांधी वो नेशनल पार्क को रीनेम किया है और राजीव नाम हटा दिया गया है. राजीव थे राजीव गांधी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर. इनके नाम पे था, इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं. ये 1985 में डिक्लेयर्ड हुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. 1999 में इसको नेशनल पार्क अपग्रेड किया गया. 2016 में इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर्ड किया. इसको मिनी काजीरंगा भी बोलते हैं. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मार्क हियर. क्वेश्चन नंबर 13, विच हैज रिलीज स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ट्री रिपोर्ट 2021. द
तो राइट आंसर इज बॉटनिक गार्डन कंजर्वेशन इंटरनेशनल। क्वेश्चन नंबर 14, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ गोल्ड मेडल एट द पैरालंपिक्स गेम्स। हम देख सकते हैं अवनी लेकारा, शी इज फ्रॉम जयपुर राजस्थान, इनको गोल्ड मिला था 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द इंस्पायर अवार्ड्स मानक इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई विच मिनिस्ट्री। सो देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सो राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका पर्पस है जो 6 to 12 बच्चों को ट्रेन करना फॉर टेक्नोलॉजी। आई होप दिस ऑल द इंफॉर्मेशन इज सफिशियंट फॉर टुडे इटसेल्फ। Please like and subscribe my video. So question first. Climate Action Finance Mobilization Dialogue recently signed in news was launched by, the right answer is India and USA. Both the countries have agreed to cut down their carbon emission. For this, India is trying to achieve 450 gigawatt energy from renewable sources. I hope particular this question, the information is completed for particular this question. Question number 2, Mahatma Gandhi Marine National Park is situated in, the right answer is Andaman and Nicobar Island. Why this question in the news? NBW National Board for Wildlife has launched a mission to reduce salinity for conservation of water, crocodile. बेसिकली जो क्रोकोडाइल है सेंचुरी है ये लाई है इन बिटवीन ऑफ महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, बेसिकली दैट्स व्हाई इन द न्यूज़। क्वेश्चन 3, पीस इंस्टीट्यूशन रिलीज क्राइम इंडिया रिपोर्ट एवरी ईयर। द राइट आंसर इज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। क्वेश्चन 4, विच स्टेट हैज इनोग्रेटेड साउथ एशिया लार्जेस्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिजिटल हब। अभी रिसेंटली डिजिटल हब लॉन्च किया है केरला में। क्वेश्चन नंबर 5, विच टू कंट्रीज आर सेट टू पार्टिसिपेट इन डिफेंस एक्सरसाइज समुद्र शक्ति। तो राइट आंसर इज इंडिया एंड इंडोनेशिया। मैं बाकी बता देता हूँ, इंडियन चाइना होता है जो एक्सरसाइज हेल्ड होती है उसका नाम है हैंड इन हैंड। इंडियन एंड नेपाल के लिए सूर्य किरण, ये अभी रिसेंटली हेल्ड हुई है चित्तौड़गढ़ में उत्तराखंड, और ये इंडिया एंड भूटान एंड श्रीलंका एक ट्राइलेटरल सीरीज करते हैं। आप देख सकते हैं समझ सकती तो 1921 इंडोनेशिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीसीएस के रिगार्डिंग के लिए, लास्ट ईयर भी ऐसे ही क्वेश्चन सिमिलर आया था। तो किसान रेल जो जर्नी है वो है नुजबित इन आंध्र प्रदेश टू आदर्श नगर दिल्ली। हम देख सकते हैं ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ से स्टार्ट की थी जर्नी और आदर्श नगर तक
कंप्लीट किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 7, रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू, तो राइट आंसर इज वेटलैंड कंजर्वेशन। एज नो, क्लाइमेट चेंज के लिए एक प्रोटोकॉल आया था, क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में। ओके, ओजोन के लिए वियना कन्वेंशन है, पेस्टिसाइड के लिए है रोटरडैम, और इसके लिए तो रामसर है। बेसिकली जो रामसर कन्वेंशन है ये इरानियन सिटी का नाम है जो 1971 में साइन किया गया था फॉर पर्पज ऑफ वेटलैंड कन्जर्वेशन के लिए। और बेसिकली सबसे ज़्यादा रामसर जो साइट्स हैं इंडिया में 46 हैं, सबसे ज़्यादा 46 हैं जो पर्टिकुलर इंडिया में हैं, एंड ओवरऑल इटली में सबसे ज़्यादा हैं वर्ल्ड वाइड, और इंडिया में 46 हैं राइट नाउ। और सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट स्टेट वाइज हैं यूपी में, यूपी में 8 है रामसर साइट, और रिसेंटली अभी 4 साइट्स एडिड हुई हैं जिसमें एक गुजरात हरियाणा एंड अगेन इन गुजरात हरियाणा। तो 46 याद रखना है और यूपी एग्ज़ाम के लिए 8 याद रखना है। क्वेश्चन 8, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा UPSC में पूछे जाते हैं, और लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था 20 में, तो इसको करते हैं। एज वी नो, NDP का जो हेडक्वार्टर है एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो एक एक करके हम इसको सॉल्व करते हैं। एशियन डेवलपमेंट ADB, बेसिकली ये जो लॉन्च हुआ है 19 दिसंबर 1966, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस में है। और इसमें जो सबसे लार्जेस्ट मेंबर हैं US, एंड जो स्टेक है US का एंड जापान का। तो सेकंड है अफ्रीकन डेवलपमेंट, ये आया है सितंबर 10, 1964, और इसका हेडक्वार्टर है अबिजान। ये थर्ड है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये बीजिंग में है चाइना, एंड न्यू डेवलपमेंट सेना। ये थोड़ा बहुत न्यू डेवलपमेंट बैंक के लिए जानते हैं क्योंकि अभी ये न्यूज़ में रहा है, क्योंकि 3 मेंबर अभी इसमें ऐड हुए हैं, UAE, रुग्वे एंड बांग्लादेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्रेडिट किया था ब्रिक्स में, ब्रिक्स ने, और ब्रिक्स में आपको पता है कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड रशिया एंड साउथ अफ्रीका, सॉरी। क्वेश्चन 9, विद रेफरेंस टू द डिफेंस सेक्टर ऑफ इंडिया, हेलिनिया इज अ, तो आपको इमेज से क्लियर हो रहा होगा, इज इज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, और बाकी शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल का नाम है त्रिशूल, एंड सरफेस टू एयर मिसाइल है BrahMos, और इंटरनेशनल इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एज वी नो Agni-5। क्वेश्चन नंबर 10, हु विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये क्वेश्चन एक और UPSC ने भी पूछा है, एंड द राइट आंसर इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आई होप आपको क्लियर हुआ हो, एंड लास्टली प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।